नमस्कार दोस्तों, आज हम जाट पारदीप खत्री जी के कहने वीडियो बना रहे हैं। तो इनका क्वेश्चन था कि मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन के साथ में कौन कौन से इंजेक्शन मिक्स करके आईवी मरीज को लगा सकते हैं। तो इम्पुल बेस में जो इंजेक्शन आते हैं, यानी वन इम्पुल या वन एमएल का जो इम्पुल होता है या टू एमएल का जो इम्पुल होता है इंजेक्शन, तो जैसे कि मीकासिन इंजेक्शन हुआ, डेक्सा हुआ, ट्रामाडोल हुआ, पेंटाजोसाइन हुआ, या फिर और दूसरे इंजेक्शन हैं, क्या कहते हैं, पेरिनॉर्म, फेनार्गन, इस तरीके के इंजेक्शन को हम कंबाइन करके लगा सकते हैं। पर मोनोसेफ एसबी इंजेक्शन, जिसके अंदर सेप्ट्रियाजोन और सेल्वेक्टम होगा, ये पाउडर बेस में इंजेक्शन है और आईवी स्लो पेशेंट को देते हैं, और स्टील वाटर मिलाकर इसको पतला कर सिरिंज में भरकर हम आईवी इन्फ्यूजन मरीज को दे देते हैं। और कई बार इसके के जो साइड इफेक्ट हैं पाउडर बेस में जो इंजेक्शन है, आईएम कई बार जो क्लिनिक पर या फिर ग्रामीण एरिया में मरीज को लगा देते हैं, बेशक इंजेक्शन पर आईएम लिखा हो, उससे होता क्या है, पेशेंट के हाथ पैर इट जाते हैं, मिर्गी जैसे लक्षण, मुँह से झाग निकलना, आंखों की पुतलियां फैलना, इस तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो मैं बता दूं, पाउडर बेस में जो इंजेक्शन है उसको आप एक ही सिरिंज में भरकर किसी भी इंजेक्शन को हम कंबाइन करके नहीं दे सकते। हाँ, दूसरी स्थिति में हम कंबाइन करके दे सकते हैं, अगर कैनोला लगा हुआ है तो हम जैसे क्या कहते हैं, पिप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, सेप्टजिटाइम, अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लाबुलेट, सेप्टियाजोन, इन इंजेक्शन को, यानी एक या दो इंजेक्शन को, पहले आपने पहला इंजेक्शन भरा, जैसे कि मेरे हाथ में अभी सिफेक्जिम इंजेक्शन है, सेप्टियाजोन केवल इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, तो इसको हम सिरिंज में भरकर इसको लगा सकते हैं। लेकिन दो तरीके के, इस तरीके के पाउडर बेस में इंजेक्शन है, उसको हम कंबाइन करके एक सिरिंज में भरकर नहीं दे सकते। अगर इंजेक्शन फटा तो मरीज की जान जाने की स्थिति तुरंत हो सकती है, और इसमें मालूम भी नहीं चलेगा। वैसे अगर आपको पता चल जाए कि इंजेक्शन फट गया है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। तो मेरा मानना तो यही है, इस तरीके के इंजेक्शन को किसी भी तरीके से एक सिरिंज में भरकर कंबाइन करके नहीं दे सकते। कैनुला के माध्यम से, अगर कैनुला डला हुआ है और उसकी ड्रिप चल रही है, तो हम दो या तीन इंजेक्शन आईवी स्लो, जैसे आपने पहला इंजेक्शन लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, ऐसे हो सकता है, पर एक सिरिंज में कंबाइन करके दोनों जो गाढ़े इंजेक्शन है उसको हम नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।